हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. सो लेट्स सी व्हाट्स इन दिस चैप्टर. इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ. अब ऐसा कहा जाता है कि ना, एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर को ही लगा देना चाहिए उसके पीछे. बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो चोर होते हैं वो आपस में एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. अब हम आगे देखेंगे इस स्टोरी के अंदर कि कौन सी जो कहावत है वो यहाँ पे सही प्रूफ हो रही है या इसमें दिखाई गई है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एवरीवन थॉट दैट होरेस स्टैंडबाय वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. अब हमें यहाँ पे पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिनका नाम है होरेस स्टैंडबाय. वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार नागरिक है. ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड. अब वो क्या है, उनकी उम्र है 50 साल की और उन्होंने शादी नहीं की हुई है, अनमैरिड है वो. ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर. वो एक हाउसकीपर के साथ रहते हैं. हाउसकीपर जो घर की देखभाल करती हैं वो उनके साथ रहते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हैं. इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. अब दरअसल में क्या है कि वैसे तो वो हमेशा बहुत खुश और अच्छे रहते हैं, हेल्थ वगैरह उनकी ठीक रहती है, पर उन्हें कभी कभी हे फीवर का अटैक आता है. हे फीवर यूजुअली डस्ट से या इन चीज़ों से जो हमें एलर्जी आ जाती है, आँख में से पानी आने लगता है, कफ हो जाता है, छींकें आने लग जाती हैं, तो उसका अटैक जब उन्हें समर में होता है तो उस वजह से वो परेशान रहते हैं. बाकी उन्हें खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं वो. ही मेड लॉक्स. वो ताले बनाते हैं, तालों का बिजनेस है उनका. एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस. और वो अपने बिजनेस में काफी सक्सेसफुल भी हैं. टू हैव टू हेल्पर्स, जिससे उन्होंने अपने काम के लिए दो हेल्पर्स रखे हुए हैं. यस, हाँ, होरेस स्टैंडबाय वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. जो होरेस स्टैंडबाय हैं गुड हैं, अच्छे हैं और बहुत ही इज्जतदार हैं, जिनकी हम इज्जत कर सकते हैं, एक इस तरीके के नागरिक हैं. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. पर वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है. 15 years ago होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. 15 साल पहले होरेस को सजा हुई और इकलौती सजा हुई जिसमें उन्हें प्रिजन लाइब्रेरी में रखा गया, जेल की लाइब्रेरी में रखा गया. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उन्हें जो महंगी और बहुत कम जो नोन किताबें होती है ना, बहुत कम, रेयर बोलते हैं, जो यूजुअली नहीं मिलती हैं, ऐसी किताबों का बहुत ज्यादा शौक था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसीलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटते थे. रॉब्ड मींस लूटते थे, सेफ यहाँ पे है तिजोरी. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. हर साल वो बहुत ही केयरफुली ये प्लान करते थे कि उन्हें क्या करना है. स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. बहुत ही ज्यादा सेफली वो प्लान करते थे कि उन्हें क्या करना है और वो इतनी चोरी कर लेते थे जो कि उनकी 12 महीने चल जाए. और फिर उन पैसों से वो सीक्रेटली बुक्स खरीदते थे एक एजेंट के द्वारा जो उन्हें पसंद थी. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. अब इस बार क्या है कि वो जुलाई की सनशाइन में चल रहे हैं और उन्हें ऐसी श्योरिटी फील होती है कि जो इस साल वो लूटेंगे वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है जो बाकी साल उन्होंने किया है उससे. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रांज, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन. अब उन्होंने 2 हफ्ते से एक घर जो कि शॉर्ट ओवर ग्रांज में है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि भाई कहाँ कहाँ उसके कमरे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या क्या है, उसके रास्ते क्या क्या हैं और गार्डन कहाँ है. मतलब सारा उस घर के बारे में उसने स्टडी कर लिया है कि कहाँ से वो जा सकते हैं, कहाँ से वो रॉबरी कर सकते हैं. दिस आफ्टरनून द 2 servants हु रिमेन्ड इन द ग्रांज व्हाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज. अब इस दोपहर में क्या हुआ कि वो जो 2 servants थे जो उस घर में थे वो लंडन में मतलब मूवी देखने चले जाते हैं. मतलब फैमिली तो लंदन में थी और वो दोनों सर्वेंट्स मूवी देखने चले जाते हैं. होरेस सॉ देम गो. अब होरेस उन्हें जाते हुए देख लेता है एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नॉइस. अब वो बहुत ही ज्यादा इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो घर खाली है और उसे हल्का सा टिकल फील होता है हे फीवर की वजह से. मैंने बताया था जो एलर्जी होती है डस्ट वगैरह की वजह से, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी गुदगुदी होती है उनकी नाक में. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. अब वो गार्डन के पीछे वाली दीवार से लांग के वहां पे आ जाता है. उनके जो टूल्स हैं जितने भी भाई ताला वाला तोड़ने का या जो भी वायरिंग वगैरह काटने के, वो बहुत ही संभाल के उन्होंने एक बैग में पैक कर लिया और वो बैग अपने पीछे टांग लिया है. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ.
अब जो ग्रांज की सेफ में ना कम से कम 15,000 pounds है, मतलब इतने की ज्वेलरी उसमें रखी हुई है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उन्हें एक एक करके भी बेचता है, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो वो ये सोच रहा है कि मतलब उसको उन पैसों से एटलीस्ट 5,000 मिलेंगे जो कि उसको अगले साल खुश रखने के लिए एनफ है, मतलब अगले साल भी उसकी सारी किताबें आ सकती हैं, इतना पैसा उसे मिलेगा अगर वो एक एक करके भी चीजें बेचता है। तो देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अब उसे लगता है कि 3 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स जो है वो ऑटम में आने वाली है सेल के ऊपर। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, अब उसे वो पैसा मिल जाएगा जिन्हें वो खरीदना चाहता है, जिन पैसों से वो बुक्स खरीदेगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। अब वो देख लेता है कि जो हाउसकीपर है ना उस घर के, दोनों वो चाबी को किचन डोर पे टांग के जा रहे हैं, उसके बाहर जो एक हुक लगा हुआ है उसके ऊपर। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स टुक द की एंड ओपन द डोर। अब वो क्या करता है, एक पेयर ऑफ ग्लव्स पहन लेता है ताकि फिंगरप्रिंट्स जो है वो ना मिले, चाबी लेता है वहां से और गेट खोल लेता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। देखा मैंने बताया था जैसे कि वो ग्लव्स किस लिए पहनता है, फिंगरप्रिंट्स उसके ना छपे मिल जाए कहीं पे, अगर वो बाद में पकड़ा जाता है तो फिंगरप्रिंट से ना पहचाना जा सके इसलिए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब एक छोटा सा कुत्ता जो है वो किचन में लेटा हुआ होता है। इट स्टर्ड मेड अ नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। अब वो हल्का सा हिलता है अपनी, यू नो, एक आवाज निकालता है और अपनी पूंछ हिलाता है एक बहुत ही फ्रेंडली मैनर में। ऑल राइट शेरी हॉरेस सेड एज ही पास्ड। तो उसको उसका नाम भी पता है उस कुत्ते का, तो बोलता है कोई बात नहीं, ऑल राइट शेरी, जैसे ही उसके पास से निकलता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। अब अगर आपको कुत्तों को शांत रखना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, आप उनको उनके नाम से बुलाओ और वो समझ जाते हैं कि भाई आप उन्हें जानते हैं, और आप उन्हें प्यार दिखाओ एंड शो देम लव, तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे कि वो उसे जानता नहीं था, बट उसे 2 हफ्ते से वो उस घर की स्टडी कर रहा था, तो उसने जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो निकाल ली थी, तो उसने उस कुत्ते का नाम वाम भी निकाल लिया था। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम। जो सेफ थी, जो तिजोरी है, वो ड्रॉइंग रूम के अंदर रखी हुई थी। बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही पुअर पेंटिंग, मतलब बेकार सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। अब वो सोचता है, ये वंडर करता है कि क्या मतलब उसे बुक्स की जगह पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए, पर फिर वो ये सोचता है कि ना जो पिक्चर्स हैं वो एक कमरे में बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगी, तो बुक्स ज्यादा बेटर है। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब टेबल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बाउल रखा है जिसके अंदर फ्लावर्स है। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब फिर से उसकी नाक में ऐसे एलर्जी वाली होने लग जाती है गुदगुदी सी। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। अब हल्की सी वो छींक आती है उसको और वो अपना बैग नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, बहुत ही केयरफुली अपने जो सारे उसके औजार हैं उन्हें अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न्ड। अब उसके पास पूरे 4 घंटे होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो लोग मूवी देखने गए, 4 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले, इसलिए उसके पास पूरा टाइम है चोरी करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। अब जो वो सेफ है वो इतनी मुश्किल नहीं है खोलनी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। अब वो ताले बनाता है, सारी जिंदगी उसने ताले ही बनाए हैं, तो उसे पता है कि तिजोरियां और ताले कैसे खोलने हैं। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और जो बर्गलर अलार्म है, तो बर्गलर मतलब होता है कि जो चोर होते हैं ना, चोरों से बचने के लिए जो अलार्म लगाया जाता है, वो कहता है वो भी पुअरली बिल्ट है, वो भी ऐसे ही है, मतलब आराम से उसको अपन तोड़ सकते हैं ऐसा है। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। अब वो हॉल के अंदर जाता है ताकि उस अलार्म के वायर्स को कट कर सके। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एट द एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अब वो वापस आता है और बहुत ही जोर से छींक मारता है जैसे ही उन फ्लावर्स की स्मेल उस तक आती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अब वो कहता है कि कितने बेवकूफ लोग होते हैं जो कि मतलब जिनके पास इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें होती हैं, वो कितने ज्यादा बेवकूफ लोग होते हैं कि वो इतनी वैल्यूएबल चीजें रखते हैं अपने पास, ऐसा हॉरेस सोचता है। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस Giving a plan of all the rooms and a picture of this room. अब कहते हैं इतने बेवकूफ लोग हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें उनके पास, पर एक मैगजीन में आर्टिकल निकाला हुआ है जिसमें इस घर का पूरा प्लान, इसका पिक्चर, इसके रूम की सब चीजें बताई हुई हैं। The writer had even mentioned that the painting hid a safe. मतलब जो लिखता है ना उस मैगजीन में, आर्टिकल जिसने भी लिखा है, उसने मतलब कि इसका भी मेंशन कर दिया है कि वो जो सेफ है, वो जो तिजोरी है, वो उस पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है।
बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. पर अब हॉरेस को लगता है कि जो फ्लावर्स हैं वो उसके काम में बाधा आ रहे हैं. ही बरिड हिज फेस इन द हैंडकरचीफ, इसीलिए वो अपने मुंह को एक रुमाल से ढक लेता है. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अब उसे एक आवाज सुनाई देती है दरवाजे के पास से कि ये क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, या तो तुम्हें ठंड लगी है या फिर हे फीवर हुआ है. बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर, इससे पहले कि वो सोचता वो एकदम से जवाब दे देता है कि मुझे हे फीवर हुआ है. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और इतने में उसको वापस से छींक आ जाती है. द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, और फिर वो आवाज वापस आती है कि तुम इसका इलाज, क्योर मींस इलाज, कैसे कर सकते हो, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से कर सकते हो. यू नो, तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, मतलब कि तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पौधा है जिससे तुम्हें ये बीमारी है, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, कि भाई मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो तो. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारे को अभी, तुम्हारी जो आवाज है वो अभी सुनी, हाउस के टॉप पे से आ रही थी. इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, जो तुम्हारी आवाज है वो, मतलब जो आवाज आ रही थी ना उसको, वो बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत ही दयालु किस्म की, बहुत ही फर्मनेस, बहुत ही अच्छी आवाज थी. अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, एक जो औरत है वो डोरवे पे खड़ी हुई है और जो शेरी है, जो कुत्ता है, वो उसको मतलब उसको ऐसे रगड़ रहा है जैसे कुत्तों की या जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी आदत होती है अपने आप को, यू नो, अपने जो मालिक होते हैं उनको रब करने की, तो वो वैसे ही कर रहा है, शोइंग द जेस्चर ऑफ लव. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो बहुत ही जवान थी, बहुत ही सुंदर थी और रेड कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई थी. शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, अब वो फायर प्लेस के वहां पे आती है एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर. स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर का मतलब है कि वहां पे जो भी सजावट की चीजें रखी होती है उन्हें सीधा करती है. डाउन शेरी सी शी सेड, अब वो कहती है शेरी को कि बैठ जाओ. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम अ मंथ, शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, अब वो कह रही है कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं एक महीने से यहाँ पे नहीं हूँ, और वो हॉरेस को देख के स्माइल करती है और चली जाती है. हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, तो मतलब यू नो वो उस घर की मालकिन होती है और वो एकदम से आ जाती है, तो वो कहती है कि हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, कि मैं टाइम पे वापस आ गई पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक लुटेरा सामने देखने को मिलेगा. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, अब हॉरेस को ना थोड़ी सी होप हो गई थी क्योंकि वो थोड़ी सी अम्यूज्ड लग रही थी उससे मिलने में. अम्यूज्ड मतलब खुश हो गई थी उससे मिलके, उस मीटिंग में वो खुश लग रही थी. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, मतलब कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर वो उसे ढंग से ट्रीट करती है तो. ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, वो कह रहा मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पे मिलेगा. शी नॉडेड, वो अपना सर हिलाती है. आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, तो कहती हाँ ये कितना इनकन्वीनियंस हो गया ना कि मैं तुम्हें यहाँ पे मिल गई. इनकन्वीनियंस मतलब असुविधाजनक हो गया है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाली हो. हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, तो हॉरेस कहता है कि भाई जो मेरा पहला विचार है वो यहाँ से भागने का है. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, तो कहती हाँ हाँ तुम ऐसा कर सकते हो. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, पर मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हें उनके बारे में सब कुछ, उनके बारे में मतलब तुम्हारे बारे में उनको सब कुछ बता दूंगी. They would get you at once. एक ही बार में वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम ऐसा कर सकते हो. यहाँ पे हम एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें ये एक लेडी है जो कि रेड कलर की ड्रेस में होगी, खड़ी है वहां पे, और यहाँ पे ये हमारा बर्गलर है, ये शेरी है. तो यहाँ पे इनके बीच में कन्वर्सेशंस चल रही हैं. यहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं जिसकी वजह से उसे छींक आ रही है, और उसने अपने हाथ में एक हैंडकरचीफ भी ले रखा है. यहाँ जो एक पेंटिंग देख सकते हैं हम, जिसके पीछे यू नो वो तिजोरी है, अब वो एकदम से आ गई है, पर वो सोच रही है कि वो काफी टाइम पे आ गई, पर उसने घर आके यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई उसे एक लुटेरा मिलेगा. यहाँ पे हम इस फोटो में ये भी देख सकते हैं कि कितने प्रॉपरली इसने अपने टूल्स अरेंज किए, क्योंकि इसे लगा था कि 4 घंटे हैं इसके पास, नौकर जो है वो फिल्म देखने गए हुए हैं, घर वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो वो आराम से चोरी कर सकता है. हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस, तब हॉरेस बोलते हैं कि ऑफ कोर्स पहले मैं टेलीफोन की वायर काटूंगा ताकि तुम फोन ना कर सको उनको, और थोड़ा सा हेजिटेटिंग वाली स्मेल देता है, सकपकाने वाली. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, तो वो कहती है कि ना भाई मैं ये
मतलब मेक श्योर करूंगा, ये संतुष्टि करूंगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ ना कर सको. अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, कुछ घंटे काफी होंगे. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है. यू हैड हर्ट मी, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, ऐसा पूछती है वो. हॉरिस पॉज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. तो अब हॉरिस बोलता है कि भाई मैं तो तुम्हें डरा रहा था, फ्राइटन मीन्स डरा रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था जब तुमने ऐसा कहा कि भाई मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ या ऐसा वैसा. तो वो उसे डराने की कोशिश करता है कि भाई मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे कुछ घंटों तक तुम कुछ नहीं कर सकती, मतलब मैं उसे तुम्हें हिट कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ. यू डिडंट फ्राइटन मी, तो वो कहते तुमने तो मुझे नहीं डराया. हॉरिस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो. तो अब हॉरिस बोलता है कि ना अच्छा यही होगा कि भाई तुम भूल जाओ कि तुमने यहाँ पे मेरे को देखा भी था और मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई. अब वो जो लेडी होती है उसकी वॉइस एकदम से तीखी सी हो जाती है. ऐसा क्यों करूं मैं? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे. इफ आई लेट यू गो यूल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम कहीं और जाके चोरी करोगे. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि तुम्हें जाने दूं? सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, जो हमारी सोसाइटी है उसको तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए. हॉरिस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी. तो वो कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करता हूँ. थ्रेटन मतलब होता है, मतलब उससे सोसाइटी को डरना चाहिए या उससे सोसाइटी को कोई खतरा है. वैसे थ्रेट का मतलब होता है कि हम किसी को धमकी देते हैं ऐसा. तो वो यहाँ पे कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे सोसाइटी को डरना चाहिए या ऐसा कुछ. आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को चुराता हूँ, मतलब उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मैं जो चोरी करता हूँ वो बहुत ही अच्छे कारण के लिए करता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के नाम से भी डर लगता है, सोचने से भी बहुत ज्यादा डर लगता है. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, थिंकिंग दैट ही हैड पर्सुएडेड हर. लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट. अब वो थोड़ा सा हंसती है और वो उससे भीख मांगता है यह सोचते हुए कि उसने उसे मना लिया है. वो कहता है कि देखो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुमसे कुछ भी पूछूं, पर मैं बहुत ही ज्यादा हताश हूँ. डेस्परेट मीन्स हताश हूँ. लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो. एंड आई प्रोमिस, और मैं वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, ऐसी कोई भी चीज मैं वापस कभी भी नहीं करूंगा. आई रियली मीन इट, और मैं इस बात से मतलब अग्री करता हूँ कि हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं कभी भी नहीं करूंगा. शी वॉज साइलेंट, वो बिल्कुल शांत थी. वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसे पास से देख रही थी, मतलब अपन किसी को यू नो एग्जामिन करते हैं तब ऐसे वो उसे देख रही थी. देन शी सेड, फिर वो कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम जेल जाने से बहुत ज्यादा ही डरते हो, aren't you? कैसा नहीं. शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. अब वो अपना सर हिलाते हुए उसके पास आती है और कहती है कि मुझे हमेशा वो लोग पसंद हैं जो कि गलत काम करते हैं. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट. अब वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है, चांदी का डब्बा उठाती है टेबल पे से, और उसमें से एक सिगरेट निकालती है. हॉरिस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब हॉरिस क्या करता है कि उसको प्लीज करने के लिए, उसे मनाने के लिए कि वो मान जाए, वो क्या करता है, उसे देखता है कि शायद वो उसकी यू नो मदद कर दे. वो अपने ग्लव्स उतारता है और उसे लाइटर देता है सिगरेट जलाने के लिए. यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर. वो कहते तुम मुझे जाने दोगी, और जो लाइटर है वो उसकी तरफ करता है. यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी. वो कहते हाँ, पर अगर तुम्हारा मेरा एक काम करोगे तो. Anything you say, okay, तो जो तुम बोलोगी. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank. अब हम लंदन जा रहे थे, उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मेरी जितनी भी ज्वेलरी है वो बैंक में दे देनी चाहिए. But I left them here in the safe. पर मैंने उन्हें बैंक में नहीं दिया और मैं यहाँ पे उन्हें सेफ में ही छोड़ के चली गई. I want to wear them to a party tonight. मुझे वो आज की पार्टी में पहननी है. So I came down to get them. तो मैं यहाँ पे इसीलिए आई थी नीचे ताकि मैं उन्हें ले सकूं. बट परंतु हॉरिस स्माइल, हॉरिस हंसने लगता है. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, कि तुम भूल चुकी हो कि जो तिजोरी को खोलने के लिए नंबर होता है वो क्या है. हैवंट यू, कैसा नहीं है. यस शी रिप्लाइड द यंग लेडी. तो अब वो जो जवान लेडी है वो बोलती है हाँ हाँ मैं वही भूल चुकी हूँ, तो तुम्हें इस तरीके से मेरी मदद करनी पड़ेगी. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर. तो कहता है कि ठीक है ये मुझ पे छोड़ दो, एक घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें ये तिजोरी खोल के दिखा सकता हूँ. बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, पर मुझे तुम्हारी तिजोरी
तोड़नी पड़ेगी, मतलब वो नंबर डिटेक्ट नहीं कर सकता, बट ही नोज कि कैसे उसको वो तोड़ सकता है. डोंट वरी अबाउट दैट, कहती कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है. माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे जो पति हैं वो एक महीने तक यहाँ पे नहीं आएंगे, एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं जो तिजोरी है उसको ठीक करवा लूंगी. मेंडेड मतलब जो कोई चीज टूट जाती है तो हम उसे वापस से बनवाते हैं, तो वो कहती है कि मैं उसे ठीक करवा लूंगी. एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन्ड द सेफ, और एक घंटे के अंदर अंदर जो होरेस है वो उस तिजोरी को खोल देता है, गिवन हर द ज्वेल्स, और उसे सारी ज्वेलरी है वो दे देता है, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहां से खुशी खुशी चला जाता है. फॉर टू डेज ही kept his promise टू द काइंड यंग लेडी. अब दो दिन तक जो प्रॉमिस वो करता है कि आज के बाद वो ये काम कभी नहीं करेगा, वो प्रॉमिस वो मानता है. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, पर जब तीसरे दिन की सुबह होती है, however, he thought of the books he wanted. अब उसके दिमाग में उन किताबों का थॉट वापस से आता है जिसे जो उसे चाहिए थी, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ. अब वो जानता था कि उसे कोई और तिजोरी का इंतजाम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब वो कहाँ और चोरी कर सकता है. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, पर उसे कोई चांस ही नहीं मिल रहा था कि वो अपना प्लान शुरू कर सके. बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांच. और नून तक क्या होता है कि एक पुलिस मैन आता है और उसको गिरफ्तार करके ले जाता है, किस चीज के पीछे, ज्वेलरी रॉब करने के पीछे, जो कि शॉर्ट ओवर ग्रांच, वही जगह जहां पे वो लेडी उसे मिलती है, उसी के कसूर में वो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द हैड फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम, एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर. अब वो जितने भी, क्योंकि उस टाइम उसने ग्लव्स उतार दिए होते हैं, वो सब सोच रहा होता है कि वो मान चुकी है और वो लाइटर वगैरह उसे देना चाहता है कि वो उसे जाने दे, तो जब उसने सेफ खोला होता है तो उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे होते, तो पूरे घर के अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स छप जाते हैं. और जब वो पुलिस को बताता है कि उसकी वाइफ ने ही, जो ओनर है उसकी वाइफ ने ही उसको वो तिजोरी खोलने के लिए बोला था, तो उसकी बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता है. द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस. अब जो वाइफ है उसके ग्रे बाल हैं, बहुत ही शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, 60 साल की, शार्प टंग मतलब बहुत तेज, जो कि यू नो चलाक होते हैं, बोलने में बहुत तेज होते हैं, वो लेडी बोलती है कि ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों बोलूंगी. हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द पुलिस. अब जो हॉरेस है वो जेल के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज. अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो वो चार्मिंग यंग लेडी थी, क्लेवर होता है चतुर, जवान लेडी थी, वो भी एक चोर थी, सेम प्रोफेशन जो कि होरेस का था वो ही थी, और उसने उसको पागल बना दिया, ट्रिक कर दिया. ही गेट्स वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा वो दुखी होता है, गुस्सा आता है उसे, व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. जब भी कोई आपस में, जो चोर होते हैं वो आपस में इस बारे में बात करते हैं कि जो चोर होते हैं वो चोर का सम्मान करते हैं, इस बारे में जब भी वो बात करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो थी वो भी एक चोर थी और ये भी एक चोर था, पर उसने उसका ऑनर नहीं किया, बल्कि उसी को ट्रैक करके वो सारा रॉबरी करके ले जाती है, और उसे प्रिजन से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो बेचारा वहां पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है जेल के अंदर ही, और सजा काट रहा होता है. ये स्टोरी विक्टर कैनिंग ने लिखी थी, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से एक जो थीफ है, चोर है, वो दूसरे थीफ की जगह ट्रिक हो जाता है उसकी वजह से और जेल में पहुंच जाता है. सो दैट्स हाउ द चैप्टर एंड्स. थैंक यू.